इसको बोलते हैं झापी, और ये है हसिया जिसे हम धान काटते हैं। तो धान पूरा पक गया है, हम धान काटने जा रहे हैं। तो ये है हमारा गांव का किचन जहाँ पर खाना बनता है, कुछ इस तरह का नजारा है। देखो संगे संगे हिड़ना मन लगता। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आज की एक नई ब्लॉग में। तो भाई सुबह सुबह बज रहा है, 6 बज रहा है, और पिताजी के लिए मैं ले जा रहा हूँ चाय, और यहाँ पर बिस्कुट है। पिताजी वहाँ पर हल चला रहे हैं, तो पिताजी के लिए मैं ले जा रहा हूँ चाय। हम लोग यहाँ पर ना लाल चाय पीते हैं, बिल्कुल प्योर वाला लाल चाय। सो सुबह सुबह चाय चाहिए, और पिताजी मम्मी लोग तो बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो भाई ये खेती है, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सरसों का खेती, मस्टर्ड ऑयल। पिताजी हल चला रहे हैं। बहुत चाय, घास कटा हुआ है इसको अंदर करना है, क्योंकि यहाँ पर ना सरसों आज लगाने वाला है। सरसों इस पेड़ को हम काट के अंदर करेंगे। अभी तो लेके जा रहे हैं कुल्हाड़ी। पसीना निकल गया भाई सुबह सुबह काम करके, मजा आता भाई गांव में काम करने के लिए। ए देख दीदी, धान काटते जाबो, वीडियो बना छी, धान काटते जाबो। आर तो डेली चित्र का वीडियो देखो। डेली छी वीडियो में। बाबू अच्छी दीदी हैं बाबू, बाय बाबू, बाय आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। देखो मौसम ना मस्त हो रखा है। अभी निकल चुका हूँ धान काटने के लिए, और गर्मी है तो यहाँ पर ऐसा कुछ लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं झापी, और ये है हसिया जिसे हम धान काटते हैं। तो धान पूरा पक गया है, हम धान काटने जा रहे हैं, और मम्मी पहले से पहुँच चुकी है धान काटने के लिए, और इसको कर दिया बंद, और मम्मी पहले से धान काट रही है। और सुबह सुबह ना, अभी सुबह नहीं, अभी 10 बज रहा है, और थोड़ा सा गर्मी है। धान का खेती हमारा है, सारा धान पक गया है पूरा। तो इस धान से चावल बनाते हैं, और पूरे साल के लिए खाने के लिए हो जाता है, कुछ सेल भी करते हैं।
गाइस आज आप लोगों को दिखा रहे हैं हमारा किचन में कैसे खाना बनता है गांव में। तो ये है हमारा गांव का किचन जहां पर खाना बनता है। कुछ इस तरह का नज़ारा है, देखो कुकमैन देखो। ये देखो कुकमैन, कुकमैन इधर है। देखो मेरा भाई खाना बना रहा है, मस्त खाना बना रहा है, बहुत टेस्टी खाना। कुछ इस तरह का लकड़ी यहाँ पर जलता है, देखो गैस वैस कुछ भी नहीं है। गांव में ऐसे, हमारा गांव में ऐसे खाना बनता है। और खाना खाना बहुत टेस्टी होती है इस आग में बनाने से, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मस्त वाला सब्जी बन रहा है, देखो वाह। और इधर देखो, इधर देखो मेरा बीबी, मेरा बाबू देखो, बहुत लेजी है, खाना नहीं बनाती है, बहुत लेजी है। बनाने के लिए मना किया भाई ने। देखो लड़की आदमी होके खाना नहीं बना रही है, ये मेरा, और मेरा भाई खाना बना रहा है, सबको दिखा रहे हैं ना। एक्चुअली छोटा बच्चा है ना, अभी बाबू है, 6 महीने का बच्चा है, तो माँ का जरूरत है, इसलिए वो खाना नहीं बना रही है। तो घर में मम्मी बनाती है, अभी तो भाई बना रहा है। भाई बहुत बड़ा कुक है, वो बहुत बढ़िया खाना बनाता है, कैसे भी सब्जी को बढ़िया से बनाता है। मस्त वाली क्या सब्जी है बोलो तुम, क्या क्या सब्जी बना रहा है, क्या सब्जी है, कौन बना रहा है, जो बना रहा उसे बोल, भाभी बोल दीजिए। ये क्या है, मटर है क्या, कौन सा सब्जी है ये, मूली आलू डांग बोड़ी, क्या है वो बांग्ला में बोलते हैं बड़ बोड़ी, दे दे ना नहीं मम्मी। बाबू बताओ तो क्या सब्जी बना रहे हैं, मच्छी। तो आज सब्जी बन रहा है, इसमें है आपका मूली और डांग बोड़ी, बोड़ी बोलते हैं, बोड़ी इसको, बोड़ी नेपाली में बोड़ी बोलते हैं, बोड़ी बोलते हैं हम लोग नेपाली में। और इसमें देखो सूखा मछली दिया, देखो यहाँ पर मछली, ये मछली है, बहुत मज़ा आता है खाने में, बहुत टेस्टी होती है खाने में, मज़ा आएगा भाई खाने में। तो भाई कुछ इस तरह का हमारा देसी किचन है अपने गाँव में। ये देखो मेरा बाबू कैसे देख रहा मुझे, बाबू ऐसी बात, कस्तो मजा कति राम्रो खानु, बहुत पानी पल्दै तुम्हारो पसन्द माछ कि माछ बोल्दै त बोल्दै पारि मछली का सब्जी बन रहा है ओटेंगा का साथ में। ओटेंगा क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं है, और मस्त सब्जी बनने वाला है अपना गांव का स्टाइल में। छोटा मछली तुम लोग ओटेंगा क्या क्या बोलते हैं बंगाली में, चालता बोलते हैं, चालता बोलता है साहब। ओ साहब क्या कर रहे हो, हैं क्या कर रहे हो,
तो खाना रेडी हो चुका है, चावल सब्जी और मछली का सब्जी, मछली और आउटेंगा। ओ मजा आएगा खाने में। सब लोग बैठ गया खाने के लिए, भाई मम्मी अभी खाएगा, खाएगी बाबू अभी। चलो टेस्ट करो कैसा बना है। अरे देखो सीधा को देखो बाबू बाबू। हाँ तो खाना खा लिया है। खाना ना बहुत टेस्टी था, और जो मछली और ओटेंगे का सब्जी जो है ना देसी स्टाइल में जो मेरे मम्मी ने बनाया था, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा खाना खाया, बहुत मज़ा आया, दिल खुश हो गया। अब बिस्तर में आ गया हूँ, ये बीवी मोबाइल देख रही है और मेरा बाबू यहाँ पर खेल रहा है। बस अभी कितना ना बजे, कितना बज रहे हो मैं, 8:30 हो रहा है। तो बस अब सोने की तैयारी है, और कल एक नई ब्लॉग में फिर दोबारा मिलेंगे। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड बाय बाय।